नमस्कार क्या दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिथ और मैंने आज गदर टू देख ली दोस्तों। अर्निंग मॉर्निंग शो में गया था दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अर्ली मॉर्निंग शो में भी दोस्तों हाफ फुल था, 7:30 बजे का शो था और इतना हाफ फुल, मतलब मैंने तो पहली बार मेरे लाइफ में देखा है कि अर्ली मॉर्निंग शो इतना ज्यादा फुल होगा। और दोस्तों एक बात बता दूं, इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी आए थे। यस हाँ जी दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं अच्छी लगेगी। तो मैंने ये देख के मुझे तो सुकून लगा है, मैं तो। और मूवी भी दोस्तों ये पॉजिटिव पे, ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है ना। तो यस हमारे हिंदू जो यहाँ पर इंडिया में रहते हैं मुसलमान, वो भी ये मूवी को प्रेज करते हैं, वो भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों पहली बात, ऐसा नहीं है कि यहाँ मुस्लिम्स को अच्छी नहीं लगेगी। मैंने मुझे देख के बहुत सुकून लगा। तो ये मेरा आज के दिन का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि मैंने उन लोगों को बहुत सारे देख के मुझे अच्छा लगा दोस्तों। ये तो ये मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें, हाँ दोस्तों बोलने वाले बोलेंगे कि यार ऐसा कितने मारधाड़ करता है, एक अकेला दो एक दो इंसान कैसे वहां से निकल आएंगे, इतना सारा एक्शन, कोई क्या मार नहीं सकता क्या पाकिस्तान वाले, इतने सारे कैसे होगा, क्यों हो गया, तो इतना ओवर हाइप्ड है, ये इम्पॉसिबल एक्शन है वगैरह। दोस्तों यार ये मूवी को मूवी की तरह लीजिए यार, मुझे तो सब कुछ जायज लगा दोस्तों। उसमें बात करते हैं स्टोरी ऐसी कि फर्स्ट हाफ में ना तो पूरा बैकग्राउंड में दिखा दे नाना पाटेकर की आवाज है, तो वो पूरा कनेक्ट करते हैं। जो स्टोरी लास्ट में गदर वन में छोड़ दी गई थी वो यहाँ पर कंटिन्यू की जाती है। और फर्स्ट हाफ पूरा इमोशनल फैमिली ड्रामा है, फैमिली एंटरटेनिंग ड्रामा है, और वो पूरा जो वो भी बहुत सूदिंग और बहुत 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 सही तरीके से आ रहा है। पर वहाँ पर जो हमने ट्रेलर में देखा है ना, वो सब फर्स्ट हाफ का नहीं है, वो सब सेकंड हाफ का ही ऑलमोस्ट। और बाद में दोस्तों जैसे सेकंड हाफ आएगा ना, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ धमाल, और यार क्या सनी देओल के डायलॉग्स आएंगे। सनी देओल के जब जब भी बहुत सारे 5-7 जगह पे यार इतनी चिल्लम चिल्ली हो रही थी, मैं भी चिल्लाने लगा था दोस्तों। एक सीन था कि जो आपको ट्रेलर से लगा होगा कि वो डंकी है ना वो निकालता है, पर ये अगर छोटा सा ही है, मैं इसको स्पॉइलर मत गिनना, वो डंकी निकालता ही नहीं है, क्योंकि उसको डंकी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके खौफ से ही सब डर जाता है। तो जी हाँ, मतलब हमको तो सबको मजा आया वो देख के कि नहीं, जो अगर आपको देखना है कि उस मूवी देखी कि नहीं देखी पूछना है ना, तो वो बोलना है कि उसने डंकी निकाली थी कैसा लगा, वो बोलेगा कि नहीं अच्छा लगा डंकी निकाली, अगर बोलेगा कि नहीं पता है डंकी निकाली नहीं तो उसने मूवी देखी है। दोस्तों एक्शन बेहतर है, बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतर है, और मेन चीज़ है दोस्तों इसमें फैमिली ड्रामा बनाया है ना, तो बहुत इमोशनली कनेक्ट करेगा आपको, और एक पूरी फैमिली ऑडियंस के लिए मूवी है। मुझे सब बोलते हैं कि यार उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग नहीं ठीक है। फर्स्ट हाफ में मुझे शायद ऐसा लगा था कि यार वे इसका बेटा है, अनिल शर्मा डायरेक्टर का बेटा है, तो ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा लगा था ऑफ बिट। बाद सेकंड हाफ में दोस्तों उसका लुक भी शानदार है और उसकी एक्टिंग भी शानदार है, मुझे पर्सनली उसकी एक्टिंग बहुत शानदार लगी। और जो यहाँ पर हमीद इकबाल करके जो वहाँ का ISI का मेन हेड है, उसकी भी एक्टिंग मुझे शानदार लगी। हाँ अमरीश पुरी को, यार अमरीश पुरी तो लीजेंड है यार, उनको तो कोई कंपेयर नहीं कर सकता, पर हमीद इकबाल की एक्टिंग भी बहुत ही बेहतरीन थी। ओवरऑल दोस्तों ये मास मसाला एंटरटेनिंग मूवी, आपको मजा ही आ जाएगा। अमीषा पटेल का भी रोल है जितना अच्छा सा है, पर मुझे थोड़ा यू नो ऑफ बिट लगा, पता नहीं क्यों, पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे सबसे अच्छी सिमरत कौर लगी, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल हीरोइन है, उसके लिए भी बहुत एक्टिंग करने का नहीं है, पर जितना भी इसका रोल है उतना बढ़िया रोल है। सनी देओल की तो बात ही क्या करनी दोस्तों, यार वो उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है, बहुत मज़ा दे जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स है, कुछ तो हमने ट्रेलर में भी सुना है। ओवरऑल दोस्तों ये मूवी इतना रिकॉर्ड करने वाली है। और दुख की बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर और किसी बॉलीवुड वालों ने इतना प्रमोशन इसका नहीं किया, आप देखना ओ माय गॉड वगैरह का तो प्रमोशन हुआ है, पर यहाँ सिंगल वन मैन सिंगम सनी देओल इसका प्रमोशन कर रहा है। पर दोस्तों ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से इतनी फैलने वाली है ना कि सभी देखने जाने वाला है। तो यस दोस्तों मजा आ गया मेरे तरफ से दोस्तों, 4.5 star out of 5। अभी मैं शायद ऐसा लग सकता है कि स्पॉइलर दूंगा कि बात ऐसी है कि दोस्तों वहाँ से ये उसका बेटा है जिसके नाम है, वो यहाँ पाकिस्तान में आता है किसी को ढूंढने के लिए, फिर वो जाए कि वहाँ जेल में रह जाता है, और फिर पता चलता है कि यार सनी देओल को पता चलता है कि मेरा बेटा यहाँ पर पाकिस्तान में चला गया, तो उसको बचाने के लिए वहाँ पाकिस्तान आता है, और फिर दोनों को वापिस इंडिया आना है। तो यस उसके सनी देओल और जीते की बात है, जीते मतलब उसका सन और सनी देओल, ये बाप बेटे का सागा है। और दोस्तों एक दो चीज़ है उसमें मुझे तो लगी यार कि उन्होंने यहाँ पर जो लव एंगल दिखाया है ना, वो यार मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा कि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे लव हो गया। पर हाँ ये दोनों फिल्म लवर है, तो फिल्मी डब का है तो फिल्म में कुछ भी हो सकता है, तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, ये जीते उसका बेटा होता है ना वहाँ पर जेल में जाता है, तो जो भी काम करने जाता है वो कैसे करेगा, मतलब ऐसे बिना सोचे समझे कैसे वो जेल में चला गया। तो ये कुछ मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहा, मुझे दो चीज़ लगी कि यार ऐसा थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगा। बाकी दोस्तों हॉटस्टार पे कमांडो करके सीरीज आई है, उसको देखना आप, वो जेल वाला पूरा सीक्वेंस है ना बहुत ही शानदार है। एक उसमें भी एक आदमी को बचाना है
और कैसे कमांडो जाते हैं और उसको बचा के लाता है, तो वो भी शानदार है दोस्तों। ओवरऑल मजा आ गया देख के गदर 2, आप जरूर से जाइएगा, आपको मजा ही आएगा। थैंक यू सो मच।